क्या हैं, अंकिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकिता बताइए। तो ये है स्टॉक्स जो आज की डेट में फोकस में रहेंगे। सबसे पहला है कोल्टे पार्टल, जिसके ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं Q3 के, और उसके हिसाब से उनकी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स रिकॉर्ड की गई है 716 करोड़ की, अप 28% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। हमारा दूसरा स्टॉक जो है वो है श्रीराम फाइनेंस, जिसमें एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील भी है। 2.1% की इक्विटी शेयर्स ने हैंड्स चेंज किए हैं और सेलर उसका एपेक्स पार्टनर्स था। हमारा तीसरा स्टॉक जो आज फोकस में रहेगा वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, क्योंकि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अक्वायर किया है स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन बिजनेस, L&T के इस बिजनेस को अक्वायर किया है, लेकिन इसे ब्रोकरेजेस ने एक थम्स डाउन दिया है। जैसे एक्सेस सिक्योरिटी ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है टू ऐड फ्रॉम बाय, और इसका टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है 4,100 रुपीज़ पे। हमारा अगला स्टॉक है गुजरात गैस, गुजरात गैस को भी जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है टू अंडर परफॉर्म फ्रॉम बाय, और इसकी टारगेट प्राइस भी कट कर दी है 400 रुपीज़ पे। नाउ हमारा अगला स्टॉक रहेगा विप्रो, विप्रो की आज Q3 अर्निंग्स आने वाली है, और जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लोअर एंड की गाइडेंस पे, यानी कि 0.5 to 2% पे आने के चांसेस हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो सकती है ग्रोइंग फर्लोज और वीकनेस उनकी कंसल्टिंग बिजनेस में जो वीकनेस है उसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी इम्पैक्ट हो सकती है, तो ये आज फोकस में रहेगा। अगला स्टॉक हमारे पास है अर्किन केमिकल्स का, ICICI सिक्योरिटी ने इस पर कवरेज इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ। इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 760 रुपीज़ का, स्पेशली क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट कैपेसिटी एडिशन है ये इनकी वॉल्यूम ग्रोथ को ड्राइव करने में काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए ये स्टॉक आज बस कर रहा है ट्रेड में। अगला जो हमारा लाइनअप में है वो है MCX, क्योंकि सेबी ने इसको अलाउ किया है MCX एक्सचेंजेस को कि वो रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को, स्पेशली जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं बेस मेटल में और क्रूड में विद इमीडिएट इफेक्ट, और क्रूड जो बेस मेटल्स है वो इंक्लूड करता है कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, निकल एंड जिंक, ये बेस मेटल्स रहेंगे। हमारा अगला स्टॉक जो है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसके रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, Q3 रिजल्ट्स कल आएंगे, और जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो फ्लैट रहने की संभावना है, क्योंकि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस इस बार ज़्यादा रहेंगे। तो ये थे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे आज के ट्रेड में। जी बिल्कुल अंकिता, इन सभी शेयर्स पे एक्शन देखने को मिल रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ वाले खबर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी काउंटर्स पे चर्चा करते हैं, और स्नेहा एक बार गुजरात गैस पे आपसे समझना चाहेंगे। इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो कई सारी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनमें हम लगभग 15-20 दिन पहले एक अच्छी रिकवरी देख रहे थे, कहीं ना कहीं 540 के ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा था, पर वो फेल्ड ब्रेकआउट एकदम इस पर आते हुए दिखा और ऑलमोस्ट 100 रुपये ये काउंटर जो है वहाँ से करेक्ट होता नज़र आया। जो पूरा न्यूज़ फ्लो है नेगेटिव ही अभी बताया जा रहा है, इनकी जो मॉर्बी गैस के प्राइसेस थे वो कट हुआ, जेफरीज का एक डाउनग्रेड आया। आप कैसे देख रहे हैं चार्ट पैटर्न को, क्या यहाँ पे थोड़ी सी उछाल के बाद फिर से एक बार सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, या यहाँ पे कुछ ये गिरावट थमती हुई नज़र आनी चाहिए? अगर आप ये काउंटर देखें तो आई थिंक यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी और तेजी आ सकती है। एक सपोर्ट है अराउंड 440 के आसपास, आप देख सकते हैं, तो मेरा मानना है कि वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप थोड़ा सा होल्ड करें, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है और मे बी आपको 470 ये सब लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। गुजरात गैस पर स्नेहा क्या ये क्यों, लेकिन एक शेयर बता रही थी स्टॉक्स इन न्यूज में अंकिता आर्चियन केमिकल्स के बारे में, और हम देख रहे हैं कि लगातार इस शेयर में तेजी है, आज भी करीब 8% के आसपास का उछाल है। हालांकि बहुत बड़ी केमिकल कंपनी ये नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि केमिकल स्पेस में फिर से एक बज लौट रहा है और आर्चियन में ये तेजी बन रही है। इन पर एक रिपोर्ट भी बहुत पॉजिटिव आई है ICICI सिक्योरिटीज की, जो कि यहाँ से भी करीब करीब 30-35% के अपसाइड सजेस्ट कर रहे हैं। स्नेहा आप ही व्यू दीजिए आर्चियन केमिकल्स, क्या लगता है कि मौका इसमें है या शेयर ज्यादा चल गया है, अब इसको छोड़ देना चाहिए? अगर इसका आप ज्यादा चार्ट डेटा तो नहीं है अवेलेबल, बट अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 550 जोन का, एक थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड करा था, तो उसका ब्रेकआउट है और आज के दिन काफी अच्छी मूव दिखने को मिल रही है। बट
जिस तरह का चार्ट है और जिस तरह के डेटा है और वॉल्यूम्स है रिसेंट के, आई थिंक यहाँ से तेजी थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर आप डिप्स में थोड़ा लॉन्ग करके चल सकते हैं इसमें, अपसाइड में लेवल्स तो एकदम क्लियर नहीं, बट यहाँ से पॉसिबिलिटी करके कि 640 650 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई वुड से करके कि यहाँ पे डिक्लाइंस पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज का भी नज़रिया यहाँ पे है और डिक्लाइंस में जो है आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ये टेक्निकल व्यू